ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ି ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ନିଶାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଥିସହ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ये पहली बार यहाँ पे हिस्ट्री में मैच हो रहा है, सीनियर सिटीजन्स वर्सेस अनंतनाग वुमेनस। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत सीखने को भी मिलता है और ख़ासकर सीनियर सिटीजन्स के जो बढ़ती हुई एज है वो मतलब प्रोन टू डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, उस सबसे उनकी फिटनेस भी ठीक रहती है और इस सबसे हमें भी एक्सपोजर मिलता है। और इस सब सीनियर सिटीजन्स में आधे प्लेयर्स ऐसे जो एक्स प्लेयर्स रह चुके हैं, उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट डिसीजन था कि इन्होंने ये चुना कि वुमेन्स वर्सेस सीनियर सिटीजन्स का मैच बहुत अच्छा है। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଗରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏପରି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। Exactly. They are just under 20, 15, 20, 25. So we almost cast 40, some people 50. So definitely, kyunki agar hum kis hamara wahi maqsad hai ki ek thoda sa isko alag tarike se isko yahan pe match karaye, logon mein ek temptation ho, ek unka nazariya badle, aur ladkiyon ke bare mein bhi unko thoda sa ye shadow hai dimag mein wo hat jaye aur acche soch ke sath wo, aur itne sare jo mere bichhe hue dost the पिछले 10-20 साल से हम मिले नहीं थे, 20-25 साल से हम फिर आज खेल रहे हैं। एंड चलो होपफुली वी आर ट्राइंग टू प्ले गिव आवर बेस्ट। अनंतनाग का टीम है, अभी जो मैच हो रहा है वो सीनियर सिटीजन के साथ हो रहा है जो ऑलरेडी 50 प्लस है, अपनी लाइफ जी चुके हैं। आज वो अपनी मतलब बेटियों के साथ मैच खेल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमारा पूरा बचपन हम जैसे जी रहे हैं फिर से। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है क्योंकि पूरे सारे सीनियर सिटीजन हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी बेटियों के साथ खेल रहे हैं ताकि हमें भी ये नहीं हो रहा है कि अगर वो मतलब अपने ऐसे छोटे लोगों के साथ खेलेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं हम नहीं खेल पा रहे हैं। तो अभी वो बेटियों के साथ खेल रहे तो उनको पूरा वो जी रहे जैसे बचपन में थे वो लोग, तो वैसे जी रहे कि उनसे हमें बहुत सीखने को मिला है कि जैसे मतलब कैसे खेलना होता है, कोई टिप्स वगैरह देता है ये वो वगैरह, तो बहुत कुछ बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। तबे ही महिला क्रिकेटर माने कहिछंती तांको ए वयस्क क्रिकेटर मानक थारु बहुत किछि सिखबा को मिलछि, एहा द्वारा से माने खेलबा को आग्रह प्रकाश करछंती। एही खेल देखिबा पई मध्य एठारे बहुत दर्शक उपस्थित थिले, ଏହାସହ ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର ମହିଳାମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।